प्राथमिक विद्यालय खड़गा में नया प्रधानाध्यापक नहीं है। जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यहाँ हमारे बड़े भाई संत कुमार भाई जी हैं, वार्ड सदस्य पवन जी हैं, रामजीवन जी उप मुखिया जी हैं, रामचंद्र जी हैं उनके अभिभावक, और सभी दोनों स्कूल के सभी बच्चे। आपको मालूम है, हमारे सुभाष जी बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी तो कुछ कुछ काम जो है ऐतिहासिक काम करते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा अगले वित्तीय वर्ष में उन्होंने शराबबंदी पर उन्होंने कार्यक्रम रखने का काम किया था और उन्होंने सफलता भी हासिल किया सबों के सहयोग से, बिहार से शराब को बंद करवाया। चुरा के लोग पी लेते हैं, दूसरी बात है, बहुत सारे लोग जेल गए हैं, बहुत सारे शराब के साथ पकड़ाए हैं। इसी तरह नीतीश कुमार जी का एक ऐतिहासिक निर्णय था 2 अक्टूबर 2017 को कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह सबसे अहम सवाल है। हम अपने समाज में अपनी बेटी को पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं, जबकि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लड़कों का उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कम उम्र में शादी करने से अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर को शपथ पूर्व घोषणा किए थे, हम लोग भी 2 अक्टूबर को शपथ लिए थे अपने पंचायत भवन पे, धमरिया मध्य विद्यालय पे, और जो हम अपने समाज में बाल विवाह नहीं होने देंगे, अगर कोई बाल विवाह करेंगे तो सारे व्यक्ति उसको विरोध करेंगे, अगर कोई दहेज लेंगे इसके लिए अब कानून बन गया है, जो अगर दहेज लेंगे और दहेज देंगे उन्हें 6 महीना जेल जाना पड़ेगा। सरकार ने नीतीश कुमार ने कानून बना दिया। इसलिए ये दो चीज, और तीसरा सफाई स्वच्छता बहुत अहम चीज है। आज हम बीमार होते हैं गंदगी के कारण, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है जिसके चलते हमें बहुत सारा बीमारियां झेलना पड़ता है, बाहर जाते हैं शौच करने के लिए कीटाणु है जो हमारे शरीर में फैल करके बीमारी विभिन्न तरह का हो जाता है। तो आज के दिन माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोग तय करेंगे कि खरगम्मा के हरेक परिवार में शौचालय बनना चाहिए, और सबसे बड़ा भूमिका होगा बच्चों का, अपने अपने गार्जियन को निश्चित तौर पे कहना कि कुछ भी हो जाए घर में शौचालय बनना चाहिए, ठीक है, और जहां रहते हैं वहां सफाई रखना चाहिए, खुद को सफाई रहना चाहिए, साफ कपड़ा पहनना चाहिए। लोग गांव में दिवाली आया ना तो दिवाली के दिन पूरा झाड़ू सफाई करते हैं, क्यों भाई, सफाई रहेगा तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा। अगर एक दिन सफाई करने से लक्ष्मी जी इतना प्रवेश करते हैं तो क्यों नहीं हम लोग सभी नित्य प्रोग्राम बना लेंगे कि आधा घंटा सफाई करेंगे, है कि नहीं। इसलिए अपने घर के आसपास इतना भी गंदगी है हम लोग साफ करेंगे, विद्यालय परिसर में साफ करेंगे, रोड से यहाँ तक जो है हमारा रास्ता है स्कूल का, विद्यालय का, वहाँ सफाई होना चाहिए, बागवानी रखनी चाहिए, इससे एक अच्छा पर्यावरण के दृष्टिकोण से